Another important thing in record keeping is clients' access to records. And it has certain dimensions that on what levels the client can ask for his or her own records from the therapist. Clients' access to their mental health records has historically been a matter of some controversy. हर थेरेपिस्ट जब अपना रिकॉर्ड प्रिपेयर कर रहा होता है तो उसे इस चीज़ का पता होता है कि कभी ना कभी उसका क्लाइंट उससे इन रिकॉर्ड्स की डिटेल्स जो है वो मांगेगा सो व्हेन यू आर मेकिंग अ रिकॉर्ड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी प्रोफेशनल और उसमें कोई भी बात ऐसे डेरोगेटरी सेंस में या कैजुअल सेंस में ना लिखी जाए ताकि उसको जब भी कभी अगर क्लाइंट उसे रिसीव करता है तो उसको उसे देख के किसी भी तरह की कोई शर्मिंदगी या परेशानी या साय कि ये मेरे बारे में किस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो थेरेपिस्ट ने लिखी हुई हैं सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड कि कभी ना कभी वो रिकॉर्ड्स आपका क्लाइंट देख सकता है ऑल दो दूसरे इन्वॉल्व इस पर्पस के लिए स्पेशली रिकॉर्ड्स को बहुत प्रिसाइज मैनर में तैयार किया जाता है

उसका रिकॉर्ड जो है उसकी एक कॉपी आपको क्लाइंट को देनी पड़ती है या वो किसी भी तरह ले लेता है चाहे थेरेपिस्ट उसको देना चाहता है या नहीं देना चाहता बट दिस इज द राइट और ये एक्सेस किया जा सकता है इन कंसिडरेशन ऑफ द हीपा प्रैक्टिशनर्स विल वॉन्ट टू रिकोगनाइज फोर स्पेशल कैटेगरीज ऑफ रिकॉर्ड्स जिनकी हम वन बाई वन बात करेंगे दे कुड बी द मेडिकल रिकॉर्ड्स साइकोथेरेपी नोट्स फोरेंजिक रिपोर्ट्स एंड वर्किंग नोट्स सो बिगिनिंग विद द मेडिकल रिकॉर्ड्स इंक्लूड द जनरल ऑफिस और इंस्टीट्यूशनल रिकॉर्ड्स डेट क्रॉनिकल्स अपॉइंटमेंट्स कैप्टायग्नोसिस प्रस्क्रिप्शन इंश्योरेंस क्लेम्स एंड प्रोसीजर्स सो ये सारा जो रिकॉर्ड है ये मेडिकल रिकॉर्ड्स के टाइटल के अंडर आता है कि आपने कितनी अपॉइंटमेंट्स ली आपने आपको डायग्नोस क्या दिया गया प्रस्क्रिप्शन क्या थी और आ, कोई इंश्योरेंस का अगर क्लेम हमारे यहाँ तो इतना कॉमनली नहीं होता लेकिन होता है और वेस्ट में तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है तो उसकी डिटेल्स और उसके अलावा क्या प्रोसीजर्स यूज़ किए गए दीज रिकॉर्ड्स आर केप्ट बाय नॉन फिजिशियन मेंटल हेल्थ क्लिनिशियंस एज वेल एज द रिकॉर्ड्स ऑफ सकेट्रिस्ट सो मेडिकल रिकॉर्ड जो कि पूरा प्रिपेयर किया जा रहा होता है वो कोई असिस्टेंट्स या कोई क्लारिकल स्टाफ कर रहा होता है जिनको डॉक्यूमेंट वो कर रहा होता है ऑल दो जो प्रिस्क्रिप्शन है वो तो साकेट्रिस्ट ने लिखी होती है या साइकोलॉजिस्ट ने लिखी होती है लेकिन उसके ऊपर जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं वो कर रहे होते हैं द सेकेंड टाइप ऑफ थिंग इज साइकोथेरेपी नोट्स सच नोट्स इन इंक्लूड ऑब्जर्वेशट थेरेपिस्ट विश टू रिकॉर्ड फॉर हिज ओन यूज जैसे आप नॉन वर्बल क्यूज लेते हैं एक सेशन में आप किसी के साथ रेपो इस्टबलिश करते वक्त उसकी डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज को असेस कर रहे हैं उसकी कम्युनिकेशन स्टाइल्स को देख रहे हैं उसकी एग्जाइटी देख रहे हैं वो अपनी बॉडी uh, को किसी किसी मूव करा है उसकी आप फ्रिक्वेंसी नोट कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी एक साइकोथेरेपी के नोट्स का हिस्सा होती हैं इट कुड इंक्लूड्स डिटेल ऑफ़ द कॉन्टेंट एंड प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी बियॉन्ड द मोर स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन टिपिकली इंक्लूडेड इन जनरल मेडिकल रैकर्ड अब साइकोथेरेपी के जो नोट्स होते हैं वो ये भी बताते हैं कि किस बात के ऊपर रिस्पॉन्स करने में एक क्लाइंट ने कितनी देर का पॉज लिया किस बात को उसने बहुत ही ज़्यादा साइकिस्टिक स्टाइल में कहा किस बात को उसने बहुत एंग्री मूड में जो है वो रिप्लाई किया तो ये वो क्यूज़ हैं जो मेडिकल रिकॉर्ड में तो अवेलेबल नहीं होते लेकिन साइकोथेरेपी के नोट्स में उसके वर्बल नॉन वर्बल क्यूज उसके चेस्टर्स और उसकी जो उस वक्त टाइम प्लेस पर्सन की ओरिएंटेशन है ये सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर एक्सप्लेन की जाती हैं सच नोट्स मस्ट बी रिकॉर्डेड एंड स्टोर्ड इन अ सेपरेट फाइल फ्राम मेडिकल रेकॉर्ड्स मेडिकल रिकॉर्ड्स को अलहदा प्लेस किया जाता है और साइकोथेरेपी के नोट्स जो हैं उसकी कैटेगरी को अलहदा रखा जाता है डिसक्लोजर ऑफ साइकोथेरेपी नोट्स रिक्वायर स्पेशल डेजिग्नेशन इन द रिलीज एंड वेवर फ्रॉम साइन बाय द पेशेंट हम मेडिकल रिकॉर्ड्स तो किसी स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर लॉ या उसके बगैर भी दे देते हैं लेकिन जो साइको के नोट्स हैं वो हम जनरली पेशेंट्स को नहीं देते जो भी एक साइकोथेरेपिस्ट बैठ अपने नोट्स लिख रहा होता है उसके अपने पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं और उसके ऊपर एक्सेस नहीं होती है एक क्लाइंट की और उसको लेने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर या एक प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जा सकता है जिसके बगैर वो पर्सनल साइकोथेरेपी नोट्स क्लाइंट को नहीं दिए जा सकते